नमस्कार, भविष्यवाणी में आपका स्वागत है। रोज की तरह एक बार फिर मैं हाजिर हूं आपका भविष्य, आपकी राशि का भविष्य बताने के लिए। आज माघ मास के कृष्ण पक्ष की तृतीया तिथि और रविवार का दिन है। तृतीया तिथि आज पूरा दिन पूरी रात पार करके कल सुबह 6:11 तक रहेगी। आज सुबह 8:50 तक सौभाग्य योग रहेगा, उसके बाद शोभन योग लग जाएगा। साथ ही आज दोपहर बाद 3:53 तक मघा नक्षत्र रहेगा। आज शाम 4:54 से पृथ्वी लोक की भद्रा शुरू हो जाएगी। आगे हम इसी पर विस्तृत चर्चा करेंगे। आज हम सबसे पहले बात करेंगे मुकदमा दायर करने या अपनी बात रखने के योग की, यानी कि यायी जैद योग की। तो बता दूं कि आज ये योग नहीं बन रहा है। अब ये योग 1 फरवरी की देर रात 3:49 से अगली सुबह 6:44 तक रहेगा। और इसके बाद बात करते हैं सर्वार सिद्ध योग, यानी कि सारे काम बनाने वाले योग की। तो बता दूं कि आज यह योग नहीं बन रहा है। अब यह योग 31 जनवरी की सुबह 6:45 से देर रात 1:08 तक रहेगा। इस क्रम में आइए अब चर्चा करते हैं आज के शुभ मुहूर्त, यानी कि फेवरेबल टाइम की। अगर आप किसी को प्रपोज करना चाहते हैं तो उसके लिए आज अच्छा मुहूर्त नहीं है। आज ये मुहूर्त 31 जनवरी की सुबह 7:10 से सुबह 7:58 तक और एक बार फिर सुबह 9:25 से दोपहर 12:25 तक रहेगा। नया बिजनेस शुरू करने के लिए आज अच्छा मुहूर्त नहीं है। आज ये मुहूर्त अगले महीने 12 फरवरी की सुबह 7:03 से सुबह 8:38 तक रहेगा। कंस्ट्रक्शन शुरू कराने के लिए आज अच्छा मुहूर्त नहीं है। अब ये मुहूर्त अगले महीने 1 फरवरी की सुबह 7:10 से सुबह 7:54 तक और एक बार फिर सुबह 9:21 से दोपहर 2:04 तक रहेगा। किसी इंडस्ट्रियल इंस्टीट्यूशन में लेन देन करने के लिए आज अच्छा मुहूर्त नहीं है। अब यह मुहूर्त 31 जनवरी की सुबह 7:40 से सुबह 8:28 तक और एक बार फिर सुबह 9:55 से दोपहर 2:51 तक रहेगा। सीजेरियन ऑपरेशन कराने के लिए आज अच्छा मुहूर्त दोपहर 3:53 से शाम 4:52 तक रहेगा। जॉब ज्वाइन करने के लिए आज अच्छा मुहूर्त नहीं है। अब यह मुहूर्त 31 जनवरी की सुबह 7:10 से सुबह 7:58 तक और एक बार फिर सुबह 9:25 से दोपहर 2:21 तक रहेगा। मेडिकल ट्रीटमेंट शुरू कराने के लिए आज अच्छा मुहूर्त नहीं है। अब यह मुहूर्त 31 जनवरी की सुबह 7:10 से सुबह 7:58 तक और एक बार फिर सुबह 9:25 से दोपहर पहले 11:36 तक रहेगा। और अब बात आती है अशुभ समय की। आकाश में कभी कभी ग्रहों की मिलीजुली इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड कुछ क्षणों के लिए नेगेटिव हो जाती है। इस अशुभ क्रांति साम्य से एक नेगेटिव स्पार्क पैदा होता है, इससे चारों तरफ नेगेटिविटी फैल जाती है। इस समय में कोई भी शुभ कार्य करने से सफलता नहीं मिलती। आज दोपहर 12:59 पर अशुभ समय रहेगा। वैसे तो इससे सभी राशियां प्रभावित होंगी, लेकिन मिथुन, सिंह, धनु और कुंभ राशियां विशेष रूप से प्रभावित होंगी। ध्यान रहे, इस समय के 12 मिनट पहले और 12 मिनट बाद तक कोई भी शुभ कार्य नहीं करना चाहिए। इसके साथ ही एक बात और बता दूं कि काम शुरू करते वक्त राहुकाल का ध्यान रखना बेहद जरूरी है। राहुकाल के दौरान कोई काम शुरू नहीं करना चाहिए। अगर कोई काम पहले से चल रहा है तो उसे जारी रख सकते हैं। आज दिल्ली में राहुकाल होगा शाम 4:35 से शाम 5:55 तक, मुंबई शाम 5:04 से शाम 6:28 तक, चंडीगढ़ शाम 4:33 से शाम 5:53 तक, लखनऊ शाम 4:22 से शाम 5:43 तक, भोपाल शाम 4:40 से शाम 6:03 तक, कोलकाता दोपहर बाद 3:58 से शाम 5:20 तक, अहमदाबाद शाम 5 बजे से शाम 6:22 तक, और चेन्नई में राहुकाल होगा आज शाम 4:41 से शाम 6:07 तक। ये था कुछ शहरों का राहुकाल। और अब आज की यात्रा की शुभ दिशा क्या है, तो आज जो शुभ दिशा है उत्तर पूर्व।
और आइए अब शुरू करते हैं सिलसिला राशिफल का। सबसे पहले बात रोज की तरह आज भी मेष राशि की। मेष राशि वालों, आज का दिन आपके लिए अच्छा रहने वाला है। आज घर से संबंधित किसी समस्या का समाधान मिलने वाला है। बेहतर होगा कि वरिष्ठ सदस्य की सलाह और मार्गदर्शन करते हुए ध्यान दें। आप आज अपने व्यक्तिगत कार्यों पर थोड़ा ध्यान दे पाएंगे। बच्चों की शिक्षा और करियर से संबंधित भी कोई काम हो सकता है। आज बिजनेस में आपको अच्छे ऑर्डर्स मिलेंगे। आज सिर्फ अपने काम की क्वालिटी को और अधिक बेहतर बनाने में ध्यान देंगे। सावधानी रखेंगे तो बिना रुकावट के काम पूरे होंगे। आज ऑफिस में सहयोगियों के साथ आपका तालमेल बेहतर बना रहेगा। दांपत्य जीवन में सामंजस्य होगा। साथ में मतलब अपने जीवन साथी के साथ मार्केट जाएंगे। आज के लिए आपका लकी कलर है ग्रे और लकी नंबर है 1। वृष राशि वालों, आज का दिन आपके लिए नई उमंग से भरा रहने वाला है। इस समय बढ़ते खर्चों में कटौती संभव नहीं है। धैर्य और संयम रखें तथा गुस्से के बजाय शांतिपूर्ण तरीके से समाधान निकालेंगे। फालतू बातों में ध्यान न दें और अपने काम में ही व्यस्त रहें। आज दोपहर बाद परिस्थितियां सकारात्मक रहेंगी। आज समय का उचित सदुपयोग करेंगे तो आपको लाभ मिलने के योग हैं। आज आप व्यक्तिगत कार्यों के साथ साथ सामाजिक व्यवस्था को बेहतर बनाने जैसे कार्यों में भी रुचि लेंगे। साथ ही अपनी योग्यता और कार्यक्षमता से कोई मुकाम हासिल कर लेंगे। आज के लिए आपका लकी कलर है रेड और लकी नंबर है 8। मिथुन राशि वालों, आज का दिन आपके लिए उत्तम रहने वाला है। आज बिजनेस में नई उपलब्धियां मिलने की संभावना है। अपने कार्यक्षेत्र में आपने जो बदलाव किए हैं उसके भी भविष्य में बेहतर परिणाम हासिल होंगे। कोई ऑफिशियल यात्रा भी आज आपको करनी पड़ सकती है। प्रमोशन की संभावनाएं बन रही हैं। दांपत्य जीवन में एक दूसरे के प्रति सम्मानजनक भावनाएं रहेंगी तथा घर में सुकून भरा और खुशनुमा माहौल रहेगा। भावुकता में लिया गया निर्णय गलत साबित हो सकता है। आज किसी पर भी ज़्यादा विश्वास रखना उचित नहीं है। आज आपकी आय में बढ़ोतरी होगी जिससे आपकी आर्थिक स्थिति बेहतर बनेगी। अपनी उपलब्धियों का दूसरों के सामने ज़्यादा बखान न करें। आज के लिए आपका लकी कलर है पिंक और लकी नंबर है 2। कर्क राशि वालों, आज का दिन आपके लिए शानदार रहने वाला है। इस समय अपने व्यक्तिगत कार्यों पर ज़्यादा ध्यान दें। पिछले कुछ समय से चल रही परेशानियों से राहत मिलेगी। आज अचानक ही आपको कहीं से सहयोग और उचित सलाह भी हासिल होगी। विदेश जाने के लिए प्रयास कर रहे लोगों को कोई शुभ सूचना मिल सकती है। कार्यक्षेत्र में ज़्यादा हस्तक्षेप करना उचित नहीं है। इससे सहयोगी और कर्मचारियों की कार्यक्षमता प्रभावित हो सकती है। आज कोई भी निर्णय लेने में जल्दबाजी न करें। आज के लिए आपका लकी कलर है व्हाइट और लकी नंबर है 9। सिंह राशि वालों, आज का दिन आपके लिए बेहतर रहने वाला है। व्यवस्थित दिनचर्या तथा खान पान आपका स्वास्थ्य ठीक रखेगा। आप स्वयं को स्वस्थ और ऊर्जावान महसूस करेंगे। आप अपने दम पर हर काम को करने की क्षमता रखेंगे। अगर घर के रखरखाव संबंधी योजनाएं बन रही हैं तो वास्तु संबंधी नियमों का भी पालन करना उचित रहेगा। आज आप अपने किसी खास हुनर को निखारने का प्रयास करेंगे। छात्रों के लिए आज का दिन अच्छा रहने वाला है। किसी प्रतियोगी परीक्षा का परिणाम आपके पक्ष में आएगा। आज के लिए आपका लकी कलर है ब्राउन और लकी नंबर है 3। कन्या राशि वालों, आज का दिन आपके लिए खुशियों से भरा रहने वाला है। आज योजनाबद्ध तरीके से अपनी दिनचर्या को व्यवस्थित करें। इससे आपके कार्य सफल होंगे। किसी रिश्तेदार से चल रही अनबन आज दूर होगी। रिश्ते में मधुरता आएगी। परिवार के साथ कोई मनोरंजक प्रोग्राम भी बनेगा। व्यवसाय में बहुत ही संजीदगी तथा गंभीरता से काम करने की जरूरत है। इस समय विस्तार संबंधी योजनाओं पर पुनर्विचार अवश्य करें। कोई भी छोटा बड़ा निर्णय लेते समय किसी का मार्गदर्शन और सलाह लेना जरूरी है। जीवन साथी के साथ उचित सामंजस्य बनाकर रखें। आज के लिए आपका लकी कलर है ग्रीन और लकी नंबर है 2। तुला राशि वालों, आज का दिन आपके लिए खास होने वाला है। आज अपने व्यक्तित्व और स्वभाव में लाया गया परिवर्तन बेहतरीन रहेगा। सामाजिक तथा पारिवारिक लोगों की तरफ से विशेष मान सम्मान भी मिलेगा। घर में किसी महत्वपूर्ण व्यक्ति के आने से किसी खास मुद्दे पर सकारात्मक विचार विमर्श भी होगा। आज आलस्य को अपने ऊपर हावी न होने दें।
इससे आपकी कार्यक्षमता प्रभावित हो सकती है। आज अपनी योजनाओं तथा गतिविधियों को सीक्रेट रखें, आज व्यापार में आ रही समस्याओं का काफ़ी हद तक निवारण होगा। अनुभवी लोगों का सहयोग और मार्गदर्शन आपके लिए सहायक रहेगा। नौकरी में कार्यभार बढ़ने की वजह से घर पहुंचने में देर होगी, इसलिए व्यवस्थित रूप से अपने कार्यों की प्राथमिकताओं पर ध्यान दें। आज के लिए आपका लकी कलर है पिंक और लकी नंबर है 6। वृश्चिक राशि वालों, आज का दिन आपके लिए अच्छा रहने वाला है। आज किसी अपरिचित व्यक्ति से ज़्यादा घुलना मिलना अच्छा नहीं है, पहले उसके बारे में पूरी जानकारी कर लें। आज अपनी कोई भी खास बात किसी से शेयर ना करें। आज माता जी की सलाह से कोई भी सावधानी पूर्वक लिया गया निर्णय निकट भविष्य में लाभदायक साबित होगा। आपकी धर्म कर्म और आध्यात्मिक कार्यों में भी आस्था बनी रहेगी। दाम्पत्य जीवन में नई नई खुशियां आएंगी। जीवन साथी प्रसन्न होने की वजह देंगे। आज आप नया वाहन लेने का मन बनाएंगे। आज के लिए आपका लकी कलर है सिल्वर और लकी नंबर है 2। धनु राशि वालों, आज का दिन आपके लिए ठीक ठाक रहने वाला है। आज व्यावसायिक कार्यप्रणाली में बेहतर सुधार होगा, जिससे आपके कार्य सुचारू रूप से पूरे होते रहेंगे। ये समय रुकी हुई पेमेंट को कलेक्ट करने तथा आर्थिक स्थितियों को मजबूत करने के लिए उत्तम है। आज नौकरी कर रहे लोगों को फोन द्वारा किसी उच्च अधिकारी से महत्वपूर्ण सूचना मिल सकती है। आज आपका पारिवारिक सदस्यों के साथ सुखद समय बीतेगा तथा घर में मेहमानों के आगमन से चहल पहल भरा खुशनुमा माहौल रहेगा। बच्चे आज खेलकूद में व्यस्त रहेंगे। आज के लिए आपका लकी कलर है पीच और लकी नंबर है 7। मकर राशि वालों, आज का दिन फेवरेबल रहने वाला है। आज किसी भी काम को करने से पहले उससे संबंधित जानकारी हासिल करने से ज़्यादा सफलता मिलेगी। आप अपनी प्रतिभा को पहचाने और पूरी ऊर्जा के साथ अपनी दिनचर्या व कार्यप्रणाली को व्यवस्थित रखेंगे। आज ध्यान रखें कि आपके सरल स्वभाव का कुछ लोग फायदा उठाने की कोशिश न करें। आज अपनी योजनाओं व गतिविधियों को किसी के साथ भी शेयर न करें। वकीलों के लिए आज का दिन अच्छा रहने वाला है। किसी क्लाइंट से आपको अच्छा धन लाभ होगा। आज के लिए आपका लकी कलर है ब्लैक और लकी नंबर है 6। कुंभ राशि वालों, आज का दिन आपके लिए सुनहरा रहने वाला है। आज का समय उपलब्धियों वाला है। आज अपनी पूरी मेहनत व ऊर्जा अपने कार्यों के प्रति लगाएंगे। आज अपने गुस्से पर काबू रखें। आज जीवन साथी तथा पारिवारिक सदस्यों का पूर्ण सहयोग रहेगा तथा आपसी रिश्ते सौहार्दपूर्ण बने रहेंगे। बिजनेस के कार्यों में सुधार होगा। स्टाफ और कर्मचारियों का सहयोग बना रहेगा। ऑफिस में उच्चाधिकारियों के साथ तालमेल अच्छे होंगे। लवमेट के लिए आज का दिन अच्छा रहने वाला है। किसी धार्मिक स्थल पर घूमने जाएंगे। आज के लिए आपका लकी कलर है येलो और लकी नंबर है 5। मीन राशि वालों, आज का दिन आपके लिए अनुकूल रहने वाला है। आज आपके व्यक्तित्व में सकारात्मक बदलाव आएगा और रहन सहन के प्रति अधिक सजग रहना दूसरों के बीच आकर्षण का केंद्र बनेगा। आज किसी रुके हुए काम को पूरा करने के लिए उचित समय है। किसी भी योजना को क्रियान्वित करने से पहले घर के सदस्यों की सलाह जरूर ले लें। लेन देन के प्रयासों में आज आपको सावधानी बरतने की आवश्यकता है। आज अगर कोई किसी यात्रा का विचार बन रहा है तो अपने सामान का ध्यान रखें। छात्रों को जल्द ही सफलता मिलने के योग बने हुए हैं। आज के लिए आपका लकी कलर है ऑरेंज और लकी नंबर है 1। और अब बात उनकी जिनका जन्मदिन है वो आज किसी छात्र को पेन गिफ्ट करें, और जिनकी आज मैरिज एनिवर्सरी है वो आज हंसों के जोड़े की तस्वीर घर में लगाएं तो साल भर सुख और सौभाग्य बढ़ता ही रहेगा। और आइए अब चलते हैं अंकों की रहस्यमयी दुनिया में। मूलांक 1 वालों, आज आप मनपसंद खरीदारी करेंगे। आपकी खुशी देखने लायक होगी। मूलांक 2, आज का दिन आपके लिए बढ़िया रहने वाला है। आप किसी व्यक्ति के साथ पूरा दिन बिताएंगे और एंजॉय करेंगे। मूलांक 3, आज आपके वेतन में वृद्धि के योग बन रहे हैं, साथ ही आर्थिक कार्यों में अच्छे परिणाम मिलेंगे। मूलांक 4, आज आप कार्यस्थल पर शांत होकर कार्य करेंगे तो काम आसानी से पूरे होंगे। मूलांक 5, पारिवारिक जीवन में खुशियां आएंगी जिससे आप काफ़ी शांति महसूस करेंगे। मूलांक 6, फंसा हुआ पैसा आपको वापस मिलेगा जिससे आपकी आर्थिक स्थिति मजबूत होगी। मूलांक 7,
आज मीठी भाषा का प्रयोग करें जिससे विरोधी भी दोस्ती का हाथ बढ़ाएंगे। मूलांक 8, किसी बचपन के मित्र से मुलाकात होगी, उससे मिलकर आपको बहुत अच्छा लगेगा। मूलांक 9, आज का दिन आपके लिए शानदार रहेगा, किसी नई योजना को बनाने में सफल होंगे। और अब चर्चा वास्तुशास्त्र की। वास्तुशास्त्र में आज हम बात करेंगे डाइनिंग एरिया व सीढ़ियों की फ्लोरिंग के बारे में। वास्तुशास्त्र के अनुसार डाइनिंग एरिया व लाउंज के लिए वुडन फ्लोरिंग सबसे अच्छी मानी जाती है। डाइनिंग एरिया में वुडन फ्लोरिंग करवाने से घर परिवार के लोगों का स्वास्थ्य अच्छा बना रहता है, साथ ही स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं व आलस से दूरी बनी रहती है। डाइनिंग एरिया के अलावा घर की सीढ़ियों में भी वुडन फ्लोरिंग करवानी चाहिए। वास्तुशास्त्र के अनुसार ऐसा करना शुभ माना जाता है, क्योंकि सीढ़ियाँ दो फ्लोर को कनेक्ट करती हैं, इसलिए सीढ़ियों में लकड़ी के इस्तेमाल से घर में संपन्नता और समृद्धि आती है। हालांकि देखो, जो सीढ़ी है लकड़ी है, वो एलिमेंट पूर्व दिशा का है, ये ध्यान रखना चाहिए। लेकिन और कहा जाता है सीढ़ी कहाँ बनाओ, साउथ वेस्ट में। तो साउथ वेस्ट में जब आप लकड़ी इस्तेमाल करेंगे तो क्या होगा। इसके अलावा टूटा फूटा फ्लोर घर में खुशहाली और धन के आगमन का रास्ता रोकता है। इस तरह के नुकसान से बचने के लिए जल्द ही इसे ठीक करवा लेनी चाहिए। तो वास्तुशास्त्र में ये थी चर्चा डाइनिंग एरिया और सीढ़ियों की फ्लोरिंग के बारे में। उम्मीद है कि आप भी इस वास्तु टिप को अपनाकर जरूर फायदा उठाएंगे। यहाँ दो बातें कह दूँ। देखो, एक सेगमेंट ये है, एक स्कूल ये है जो ये मानता है कि सीढ़ी लकड़ी की हो, लेकिन सीढ़ी लकड़ी की कहाँ हो। सीढ़ी लकड़ी की होने के लिए अपेक्षित आपके लिए एटमॉस्फेयर चाहिए, या मतलब जो यथेष्ट स्थान पर ही, सटीक जगह पर ही लकड़ी की सीढ़ी का इस्तेमाल करना चाहिए। अन्यथा सीढ़ी के लिए सबसे अच्छी दिशा है साउथ वेस्ट, दक्षिण पश्चिम। दक्षिण पश्चिम का तत्व क्या है, पृथ्वी, अर्थ। देखो, जो पांचों एलिमेंट हैं, क्षितिज, जल, पावक, गगन, समीरा, हर उससे दिशा से जुड़े हुए हैं। तो पृथ्वी तत्व है दक्षिण पश्चिम, घर का सेंटर और नॉर्थ ईस्ट। तो दक्षिण पश्चिम में पृथ्वी तत्व से बने हुए, जब लकड़ी के घर बनते थे वो मिट्टी के घर बनते थे तो मिट्टी की बनानी चाहिए थी, अब पत्थर से बनते हैं वो भी मिट्टी से बना हुआ है, या कंक्रीट से बनाते हैं वो भी मिट्टी से बना, हालांकि उसमें लोहा लगा हुआ है। लोहा आपके जितना मेटेलिक एरिया है वो आपके पश्चिम दिशा के लिए सबसे अच्छा है। तो इन सब चीज़ों का ख्याल रखना चाहिए, और किसी भी मतलब ब्लॉक होकर किसी नियम का पालन करना उचित नहीं। जैसे हम सारे एलिमेंट्स को खोल के बताते हैं कि इसको ऐसे करो, इन सर्कमस्टांसेस में ये, इन सर्कमस्टांसेस में ये, तो अलग अलग परिस्थितियों में अलग अलग चीज़ों को अप्लाई करना चाहिए। फिर दोहरा दूँ, सीढ़ी के लिए सबसे अच्छी दिशा साउथ वेस्ट है, और साउथ वेस्ट दिशा में सीढ़ी बनाने के लिए पत्थर, मिट्टी या उससे बनी चीज़ों का इस्तेमाल सर्वश्रेष्ठ है। लेकिन कुछ जगहें ऐसी भी हैं जहां पर सीढ़ी में लकड़ी का इस्तेमाल करना शुभद और लाभप्रद है। अब आगे बढ़ते हैं और करते हैं आज के दिन की सबसे विशेष बात। आज माघ मास कृष्ण पक्ष की तृतीया तिथि और रविवार का दिन है। तृतीया तिथि आज पूरा दिन पूरी रात पार करके कल सुबह 6:11 तक रहेगी। आज सुबह 8:50 तक सौभाग्य योग रहेगा, उसके बाद शोभन योग लग जाएगा। शोभन योग के दौरान शुरू की गई यात्रा मंगलमय और सुखद रहती है, और मार्ग में किसी प्रकार की असुविधा नहीं होती। साथ ही जिस उद्देश्य से यात्रा की जाती है वो भी पूरा हो जाता है और व्यक्ति को आनंद की अनुभूति होती है। वहीं सौभाग्य योग की बात करें तो ये लोग सदा मंगल करने वाला योग है, इसलिए इसे मंगलदायक योग भी कहते हैं। साथ ही नाम के अनुरूप यह भाग्य को बढ़ाने वाला और वैवाहिक जीवन को सुखद बनाने वाला भी है। साथ ही आज दोपहर बाद 3:53 तक मघा नक्षत्र रहेगा। आकाशमंडल में स्थित कुल 27 नक्षत्रों में से 10वां स्थान मघा नक्षत्र का है। मघा शब्द का अर्थ है बलवान या महान। इसका प्रतीक चिन्ह राज सिंहासन को माना जाता है, जो कि शासन, सत्ता और प्रभुत्व के साथ जुड़ा हुआ है। आपको याद दिला दूं कि मघा नक्षत्र में तालाब बनवाना, कुएं खुदवाना, चिकित्सा का कार्य, विद्या अध्ययन, लेखन और शिल्प आदि से संबंधित कार्य करना बड़ा शुभ माना जाता है। मघा नक्षत्र के स्वामी केतु हैं, जबकि इसके अधिपति देवता पितरों को माना जाता है, और इसके चारों चरण सिंह राशि में आते हैं, जिसके कारण इस नक्षत्र का सिंह राशि पर प्रभाव पड़ता है। मघा नक्षत्र के प्रभाव में आने वाले जातक सामान्य तौर पर सामाजिक व्यवहार में अच्छे देखे जाते हैं, साथ ही ये सहनशील,
श्रेष्ठ बुद्धि वाले, स्पष्टवादी और धार्मिक कार्यों में रुचि रखने वाले होते हैं। इन लोगों के पास अच्छी धन संपत्ति होती है। इसके अलावा मघा नक्षत्र का संबंध बरगद के पेड़ से बताया गया है, लिहाजा जिनका जन्म मघा नक्षत्र में हुआ हो उन लोगों को मघा नक्षत्र के दौरान हमेशा ही बरगद के पेड़ को किसी भी तरह की क्षति नहीं पहुंचानी चाहिए और न ही उसके पत्तों को तोड़ना या उसके पत्तों को नुकसान पहुंचाना चाहिए और न ही उसकी लकड़ी को तोड़कर किसी प्रयोग में लाना चाहिए। इसके बजाय आपको बरगद के पेड़ को नमस्कार करना चाहिए, उसकी पूजा करनी चाहिए। ऐसा करने से आपको शुभ फलों की प्राप्ति होगी, साथ ही आपके धन धान्य में वृद्धि भी होगी। तो ये थी चर्चा आज पढ़ने वाले सौभाग्य योग, शोभन योग और मघा नक्षत्र के बारे में। और अब बात करते हैं आज पढ़ने वाली भद्रा के बारे में। आज शाम 4:54 से शुरू होकर कल सुबह 6:11 तक पृथ्वी लोक की भद्रा यानी अशुभ भद्रा रहेगी। बता दूं कि जब चंद्रमा कुंभ, मीन, कर्क या सिंह राशि में होता है तब भद्रा शुभ कार्यों के लिए वर्जित होती है, क्योंकि उस समय भद्रा का मुख पृथ्वी के ठीक सामने होता है। और आज भद्रा के समय चंद्रमा सिंह राशि में रहेगा। आपको यहाँ याद दिला दूं कि अशुभ भद्रा के दौरान विवाह संस्कार, मुंडन संस्कार, गृह प्रवेश, यज्ञोपवीत, नया बिजनेस आरंभ करना, किसी शुभ कार्य के लिए यात्रा, त्यौहार आदि के समय किए जाने वाले रीति रिवाज आदि नहीं करने चाहिए। हालांकि कुछ कार्य ऐसे भी हैं जिन्हें भद्रा के दौरान करने से शुभ फल प्राप्त होते हैं, जैसे किसी पर मुकदमा करना हो तो भद्रा में करिए, शत्रु पक्ष से मुकाबले के लिए, राजनीतिक कार्य के लिए, सीमा पर युद्ध के लिए, ऑपरेशन के लिए, अग्नि से संबंधित कार्य करने के लिए, किसी भी तरह के वाद विवाद के लिए, शस्त्र आदि के प्रयोग के लिए, दाम्पत्य संबंधों की ऊष्मा को बनाए रखने के लिए और तंत्र मंत्र के प्रयोग के लिए अशुभ भद्रा यानी पृथ्वी लोक की भद्रा बड़ी ही प्रशस्त मानी जाती है। इसके अलावा आज लाला लाजपत राय जी की जयंती भी है। 28 जनवरी 1865 को जन्मे लाला लाजपत राय भारत के प्रमुख स्वतंत्रता सेनानियों में से एक थे। आपको पंजाब केसरी भी कहा जाता था। बता दूं कि पंजाब नेशनल बैंक की स्थापना भी लाला लाजपत राय ने ही की थी। बाल गंगाधर तिलक और विपिन चंद्र पाल के साथ इस त्रिमूर्ति को लाल, बाल और पाल के नाम से जाना जाता था। इन्हीं तीनों नेताओं ने सबसे पहले भारत में पूर्ण स्वतंत्रता की मांग की थी, बाद में पूरा देश इनके साथ हो गया। सन 1928 में इन्होंने साइमन कमीशन के विरुद्ध एक प्रदर्शन में हिस्सा लिया, जिसके दौरान हुए लाठीचार्ज में ये बुरी तरह घायल हो गए और अंततः 17 नवंबर 1928 को इनकी महान आत्मा ने पार्थिव देह त्याग दी। तो ये थी चर्चा पृथ्वी लोक की भद्रा और लाला लाजपत राय की जयंती के बारे में। और अब बात करते हैं आज किए जाने वाले विशेष उपायों की, जिन्हें करके आप अपने जीवन में चल रही समस्त समस्याओं का समाधान निकालने में सफल होंगे। अगर आप लेखन कार्य में विशेष लाभ पाना चाहते हैं तो आज के दिन किसी ब्राह्मण को उनकी जरूरत की कोई चीज दान करें, साथ ही केतु के मंत्र का 21 बार जप करें। मंत्र है ओम स्रांग स्रीं स्रौं सह केतवे नमः। आज के दिन ऐसा करने से आपको लेखन कार्य में विशेष लाभ मिलेगा। अगर आप अपने जोड़ों के दर्द की समस्या से छुटकारा पाना चाहते हैं तो आज के दिन आपको केतु का उपाय करना चाहिए। आज के दिन आपको केतु यंत्र की स्थापना करके उसकी उचित प्रकार से पूजा करनी चाहिए और उस पर केतु के मंत्र का जप करना चाहिए। केतु का मंत्र इस प्रकार है ओम स्रांग स्रीं स्रौं सह केतवे नमः। आप इस मंत्र का जितना ज़्यादा जप करेंगे आपका यंत्र उतना ही प्रभावशाली होगा, लेकिन ध्यान रहे जप शुरू करने से पहले ही आपको जितना जप करना है उसका संकल्प ले लीजिए। इस प्रकार जप करने के बाद घर में उचित स्थान पर यंत्र की स्थापना कर लें। अगर आप अपने संतान के भविष्य को लेकर हमेशा चिंतित रहते हैं या आप चाहते हैं कि उसे जीवन में एक बेहतर मार्ग मिल सके तो आज के दिन अपने संतान के हाथों से किसी जरूरतमंद को काले कंबल का दान करवाएं। आज के दिन ऐसा करने से आपकी संतान को जीवन में एक बेहतर मार्ग मिलेगा और उसके भविष्य को लेकर आपकी सारी चिंताएं दूर होंगी। अगर आप डेंटिस्ट का काम करते हैं तो उसमें सफलता पाने के लिए आज के दिन एक बर्तन में जल लेकर उसमें कुमकुम डालें और प्रार्थना करते हुए बरगद के पेड़ की जड़ में चढ़ाएं। साथ ही अपने भांजे को शर्ट गिफ्ट करें। आज के दिन ऐसा करने से आपको अपने काम में सफलता जरूर मिलेगी।
अगर आप करियर में अपनी तरक्की को लेकर परेशान रहते हैं कि भविष्य में आपके साथ क्या होगा क्या नहीं होगा, तो इसके लिए आज के दिन आपको सूर्य देव को प्रणाम करके उनके इस मंत्र का 108 बार जप करना चाहिए। मंत्र है ओम ह्रांग ह्रीं ह्रौं सह सूर्याय नमः। ओम ह्रांग ह्रीं ह्रौं सह सूर्याय नमः। इस प्रकार मंत्र जप करने के बाद फिर से सूर्य भगवान को प्रणाम करें। अगर आप अपने बच्चों में कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ाना चाहते हैं तो आज के दिन आपको अपने बच्चों के हाथ से मंदिर में गुड़ का दान करवाना चाहिए और इस मंत्र का 108 बार जप करना चाहिए। मंत्र है ओम घृणे सूर्याय नमः। मंत्र जप के समय अगर आपके बच्चे भी साथ में हों तो और भी अच्छा है। आज के दिन ऐसा करने से आपके बच्चों के कॉन्फिडेंस लेवल में निश्चित रूप से बढ़ोतरी होगी। अगर आप अपने घर परिवार से नेगेटिविटी को दूर करना चाहते हैं तो आज के दिन आपको एक कटोरी में फिटकरी का टुकड़ा लेकर अपने घर की बालकनी या खिड़की में रखना चाहिए और अगले 5 दिनों तक उसे वहीं रखा रहने दीजिए। 5 दिनों के बाद उस फिटकरी के टुकड़े को फेंक दीजिए, डिस्पोज कर दीजिए। अगर आप आसपास के क्षेत्र में अपने काम का डंका बजाना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि दूर तक आपके काम की पहचान हो, तो आज के दिन आपको मंदिर में 1.25 किलो छिलके वाली मूंग की दाल दान करनी चाहिए और हाथ जोड़कर भगवान से प्रार्थना करनी चाहिए। आज के दिन ऐसा करने से आसपास के सभी क्षेत्रों में आपके काम की पहचान होगी। अगर आप पर मौसम में बदलाव का बहुत जल्दी असर पड़ता है, जैसे ही मौसम बदलता है आपको कोई ना कोई स्वास्थ्य संबंधी समस्या लग जाती है, तो ऐसी स्थिति से बचने के लिए आज रविवार के दिन आपको सूर्य भगवान को जल से अर्घ देना चाहिए और हाथ जोड़कर प्रार्थना करनी चाहिए। आज के दिन ऐसा करने से मौसम बदलाव का आप पर जल्दी जल्दी पड़ने वाला प्रभाव कम होगा। अगर आप ऑफिस में बहुत दिनों से कोई उच्च पद पाने की आस लगाए बैठे हैं लेकिन किसी न किसी अड़चन के चलते आपका काम नहीं बन पा रहा है, तो आज के दिन आपको अपने घर में सूर्य यंत्र की स्थापना करनी चाहिए और उसकी विधि पूर्वक पूजा करनी चाहिए। पूजा करने के बाद उस यंत्र को संभाल कर मंदिर में ही रखा रहने थे। आज के दिन ऐसा करने से आपको जल्द ही ऑफिस में कोई उच्च पद मिलेगा। अगर आप आभूषण या रत्न आदि से जुड़ा काम करते हैं और अपने काम में उन्नति करना चाहते हैं, तो आज के दिन आपको सूर्यदेव को प्रणाम करना चाहिए। साथ ही गंगा जल मिश्रित जल से सूर्यदेव को अर्घ देना चाहिए। आज के दिन ऐसा करने से आपको अपने काम में उन्नति ही उन्नति मिलेगी। अगर आप बेहतर स्वास्थ्य और मानसिक रूप से लाभ प्राप्त करना चाहते हैं, तो आज के दिन जौ के आटे की रोटियां बनाकर गाय के बछड़े को खिलाएं और हाथ जोड़कर उसे प्रणाम करें। तो ये सारी चर्चा थी आज सौभाग्य योग, शोभन योग और मघा नक्षत्र के बारे में। उम्मीद है कि आप इस चर्चा का पूरा पूरा लाभ अवश्य उठाएंगे। और अब मैं आपको बताऊंगा कि क्या कहता है आपके नाम का पहला अक्षर आपके आज के भविष्य के बारे में। और ABCD ही क्यों, नाम का पहला अक्षर ही क्यों, क्योंकि आज के ज़माने में दोस्त और दुश्मन सबकी गतिविधियों पर आपकी नज़र होना जरूरी है। आपको पता होना चाहिए कि क्या आपके दोस्त को आज कोई अच्छी अपॉर्चुनिटी मिलने वाली है या कहीं आपका दुश्मन बाजी न मार ले। किसका दिन आज कैसा है, नाम के पहले अक्षर से सब पता चल जाएगा। तो जिनके नाम का पहला अक्षर है A, आज आपका स्वास्थ्य अच्छा बना रहेगा, साथ ही किसी मामले में आपका आत्मविश्वास बढ़ेगा जिससे आप अच्छा परफॉर्म करेंगे। B, आज आप कोई नया बिजनेस स्टार्ट करने का विचार अपनी फैमिली के साथ शेयर करेंगे और अपने बजट के अनुसार निवेश करेंगे। C, आपका कोई शत्रु किसी काम में विरोध कर सकता है लेकिन किसी की मदद से आपका वो काम पूरा होगा। D, आज आपकी शादी की बात घर पर हो सकती है, घर के लोगों में खुशी देखने लायक होगी। E, आज आपका पारिवारिक खर्च सामान्य रहेगा, किसी को दिया पैसा वापस मिलेगा। F, आज जल्दबाजी में कोई फैसला ना करें तो बेहतर रहेगा, अपने पारिवारिक सदस्यों की राय जान लीजिए। G, आज अचानक आपका विचार बदल सकता है, कुछ नया करने का प्लान करेंगे। H, आज ऑफिस के प्रोजेक्ट को पूरा करने में आपकी व्यस्तता बनी रहेगी, इस प्रोजेक्ट से आपको प्रसिद्धि मिलेगी। I, अगर आप फैशन डिजाइनर हैं तो आज आपके माइंड में तरह तरह के नए आइडियाज आएंगे। J,
जीवन साथी आज आपको मनपसंद शॉपिंग कराएंगे जिससे रिश्ते में मिठास बढ़ेगी। के आज माता की सेहत का पूरा ख्याल रखेंगे, उनको हर किसी टेंशन से दूर रखने की कोशिश करेंगे। एल डॉक्टर्स के लिए आज का दिन ऊर्जा से भरा रहने वाला है, काम में व्यस्तता बनी रहेगी। एम अच्छी प्रगति के बावजूद भी आपको अपने कामों में सावधानी रखनी होगी, ये आपके लिए अच्छा रहेगा। एन आपके अंदर की नेगेटिविटी दूर होगी, आत्मनिर्भर होकर आप कोई भी फैसला कर सकते हैं। ओ आज आपको किसी उच्चाधिकारी से मिलना पड़ सकता है जहां आप अपनी समस्याओं की बात करेंगे। पी कंपटीशन की तैयारी कर रहे छात्र आज अपनी पढ़ाई में व्यस्त रहेंगे, आपकी तरक्की के मार्ग जल्द ही खुलेंगे। क्यू घर के छोटे बच्चों को बुजुर्गों का आशीर्वाद मिलेगा जो भविष्य में आपके लिए कारगर साबित होगा। आर आपको आज किसी काम की जिम्मेदारी मिलेगी जिसे आप पूरी जिम्मेदारी से निभाएंगे। एस परिवार के लोग आपका सपोर्ट करेंगे, आपका सम्मान बढ़ेगा, आपको ये देखकर खुशी होगी। टी आज के दिन दूसरों के तर्क वितर्क में न पड़े, अपने काम पर ध्यान देंगे तो बेवजह की परेशानी से बच जाएंगे। यू आज करीबी रिश्तेदारों के साथ आपकी बॉन्डिंग बढ़ेगी, आज आप उनके घर पर भी जा सकते हैं। वी आज आप किसी के विचारों में खोए रहेंगे, पुरानी यादें आपकी बेचैनी बढ़ा सकती हैं। डब्लू आज धार्मिक कार्यक्रमों में आपकी रुचि बढ़ने से आप दोस्तों के साथ धार्मिक स्थल पर जाएंगे। एक्स पिछले दिनों सेहत में हो रहे उतार चढ़ाव से आज आपको आराम मिलेगा, हेल्दी फूड का सेवन करेंगे। वाई अधिकारी के साथ अच्छा व्यवहार आपको लाभ दिलाएगा, अपनी बातों को ध्यानपूर्वक रखें। जेड छात्र अपने बड़ों की राय ले सकते हैं, जल्द ही करियर से जुड़ी कोई बड़ी खुशखबरी आपको मिलेगी। और अब बात आज के तीर्थ की, आज हम आपको लेकर चल रहे हैं माँ दक्षिणेश्वर काली मंदिर के दर्शन के लिए। माँ कालिका का ये विश्व प्रसिद्ध मंदिर कोलकाता में है। कोलकाता के उत्तर में विवेकानंद पुल के पास स्थित इस मंदिर को दक्षिणेश्वर काली मंदिर कहते हैं। इस पूरे क्षेत्र को काली घाट कहते हैं। इस स्थान पर सती देह की दाहिने पैर की चार उंगलियां गिरी थीं, इसलिए यह सती के 52 शक्तिपीठों में शामिल है। तो आप भी घर बैठे कीजिए माँ दक्षिणेश्वर काली के इस अद्भुत मंदिर के दर्शन। और अब बात सामुद्रिक शास्त्र की। सामुद्रिक शास्त्र में आज हम आपको धन संपत्ति से जुड़े कुछ खास सपनों के बारे में बताएंगे कि किन सपनों को देखने पर आपको धन संपत्ति से जुड़े फायदे होंगे। सामुद्रिक शास्त्र के अनुसार जो व्यक्ति सपने में अपने आप को गाड़ी, आसन, बिछौने या पालकी में चलते हुए देखे या फिर खुद को अकेले बिना किसी गाड़ी के चलते हुए देखे तो उस व्यक्ति को चारों ओर से लक्ष्मी की प्राप्ति होती है। साथ ही जिस व्यक्ति को सपने में पान का बीड़ा, कपूर, अगर, सफ़ेद चंदन या सफ़ेद फूल इनमें से कोई वस्तु मिले तो उस व्यक्ति को हर तरफ से संपत्ति मिलती हुई दिखाई देती है। साथ ही अगर आपको सपने में अनार मिल जाए या जिसे सपने में गेहूं का ढेर दिख जाए तो उस व्यक्ति को अचानक से धन लाभ होता है। सामुद्रिक शास्त्र में ये थी चर्चा धन संपत्ति से जुड़े कुछ खास सपनों के बारे में। और अब बात अवॉइड ऑफ द डे की, यानी आज आपको क्या नहीं खाना है। आज 28 जनवरी को माघ कृष्ण पक्ष की तृतीया तिथि है। तृतीया तिथि में परवल की सब्जी या उससे बनी कोई अन्य चीज खाना निषिद्ध है, ये शत्रुओं की वृद्धि कराने वाली होती है। तृतीया तिथि आज का पूरा दिन और पूरी रात पार करके कल सुबह 6:11 तक रहेगी। उसके बाद चतुर्थी तिथि लग जाएगी जो कि कल का पूरा दिन और पूरी रात पार करके अगली सुबह 6:46 तक रहेगी। चतुर्थी तिथि में मूली का सेवन करना निषिद्ध है, ये शत्रुओं की वृद्धि कराने वाली होती है। इस तरह तिथि का समय जानकर आप अपने खाने का शेड्यूल बना सकते हैं। बाकी आप कुछ भी खाइए, पीजिए, मौज कीजिए। और चलते चलते मैं आपको बता दूं कि कल आपका मनोबल बढ़ाने वाली दिशा है पूर्व यानी ईस्ट। और अब वक्त है आज के टिप ऑफ द डे का। आज पड़ोसी को नमस्कार करके काम पर जाइए, सारे दिन आपको खुशियां ही खुशियां हासिल होती रहेंगी। और अपने राशिफल जानने के लिए लॉग ऑन करें www.indiatv.in और मुझसे व्यक्तिगत संपर्क करने के लिए फ़ोन करें 9971000226।
भविष्यवाणी में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।